देखिए गाइस, आप इसके स्टेयरिंग व्हील की तरफ बढ़ोगे ना, यहाँ पे आपको एक बहुत प्रीमियम सी लेदर की कोटिंग मिलेगी। इसके बटन की तरफ बढ़ते हैं, बटन में आप जिसने अपने अगर एक्सबॉक्स का कंट्रोलर देखा होगा, एक्सबॉक्स के कंट्रोलर में कैसे BA X Y ऐसे बटन्स होते हैं और साइड में एरो बटन्स होते हैं, और वैसे ही आपको सेम इसमें देखने मिलता है, बीच में एक्स का बटन है जो एक्सबॉक्स में भी एक्सबॉक्स वाले रिमोट कंट्रोल्स में भी होता है, और कुछ माइनर से जो अलग अलग गेयर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को टॉगल करते हैं वो वाले आपको यहाँ पे बटन दिखने मिलेंगे। थोड़ा आप लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे, उस साइड पे आपको जैसे कि आप अगर मैन्युअली गियर शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो नीचे आपको एक फर्स्ट वाले में एक्सेलरेटर मिलेगा, बीच वाले में ब्रेक मिलता है, और उस साइड वाले में जो है वो आपको क्लच देखने मिलेगा। ओके सो गाइस, अभी हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो, ये प्रॉपर लेदर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है अगर आप इसको स्टेयरिंग व्हील को हाथ में लेकर अगर खेलोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ये। साइड में इसके चेयर्स की तरफ बढ़ते हैं हम, जो इसमें चेयर दी गई ना, प्रॉपर आपने अगर गेमिंग चेयर देखी होगी ना, वैसे ही है। इसमें भी कुशंस लगे हुए हैं आपके कंफर्ट के लिए। बाकी इसकी जो बॉडी है वो आपको प्लास्टिक की मिलेगी, बट वो जो प्लास्टिक यूज़ किया गया वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और ये जो स्टैंड हमने इस पर लगाया हुआ है वो इन रेसिंग की तरफ से आता है, आप इनकी वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हो। ये स्टैंड अप्रॉक्सीमेटली कुछ हमें 30-35,000 का कॉस्ट किया, यानी कि टोटल सेटअप जो है वो लाइक 60,000 के अराउंड का सेटअप है। इसमें हम सिर्फ ये स्टेयरिंग व्हील, वो नीचे के जो आप पेडल्स देख सकते हो, वो जो गियर शिफ्टर्स है वहाँ पे, और ये जो स्टैंड लगा हुआ है इस पर, ये ही सिर्फ इंक्लूड होता है उसमें, और जो टीवी है वो अलग से ली हुई है, और इस पर जो एक्सबॉक्स कनेक्टेड है वो भी अलग से कॉस्ट करता है। ओके सो गाइस, हमने अभी इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ली, हमने इसके बटन्स के बारे में बात कर ली, इसके स्टेयरिंग व्हील पे जो ये लेदर्स लगे हुए उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अभी हम ये चीज़ को ड्राइव करेंगे, ये ड्राइविंग सिमुलेटर को हम ड्राइव करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ड्राइविंग सिमुलेटर है वो लाइक किस तरह से रिस्पॉन्स करता है जब हम इसे एक्चुअल में चलाते हैं किसी गेम में। अभी मैं फ़िलहाल फोर्जा होराइजन 5 खेल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या फीडबैक मिलता है इस ड्राइविंग सिमुलेटर से जब मैं इसको ऑन रोड या ऑफ रोड जहाँ भी चलाता हूँ। और मैं काम करता हूँ, कैमरा एंगल आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा प्रॉपर आइडिया आएगा कि लाइक किस तरह से स्क्रीन में, लाइक मैं ऑफ रोड पर जाऊँगा तो ये कैसे किस तरह से वाइब्रेट करेंगे, वो सब चीज़ें आप देख पाओगे। मैं कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ। ओके सो गाइस, मैंने कैमरा एंगल इसका चेंज कर दिया। अभी मैं आपको ड्राइविंग स्क्रीन पर लेके चलता हूँ मेरी, अभी मैं इसको ड्राइव करने वाला हूँ, तब आपको एक्चुअल में पता चल, जब आपको मॉनिटर दिखेगा ना प्रॉपरली कि लाइक मेरे गेम में क्या हो रहा है, तो जिससे कि ये व्हील ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तब आपको प्रॉपरली ये समझ में आएगा कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। ये तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ, अभी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अभी तक व्हील स्टेबल है, हाँ अभी तक व्हील कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है ज़्यादा, ना गोल गोल ऑटोमेटिकली घूम रहा है ना कुछ कर रहा है, क्योंकि रास्ता क्लियर है, लाइक अच्छे प्रॉपर रोड पर मैं चला रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑफ रोड की तरफ लेके चलता हूँ, देखते क्या होता है। ये देखिए, ये हाँ देखा होगा आपने, जैसे कि अभी क्या हुआ, जस्ट ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, ये हो ही गया खुद ही, बट आपने इस टाइम में देखा होगा कि ये जो सिमुलेटर है उसने किस तरह से रिएक्ट किया, लाइक जैसे कार फ्लिप हुई प्रॉपरली पूरा वाइब्रेट होने लगा ये। अभी और चलाते हैं, और ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये ना गियर है मेरे सेकंड पे, अब मैं एक्सेलरेटर है ना वो पूरा जोर से दे रहा हूँ, ये देखिए लाइक बर्नआउट टाइप होता है इससे। अगर आपने लाइक कार चलाई होगी तो आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि बर्नआउट कैसे होता है, लाइक अगर कम गियर पे हम ऐसे करते हैं ना तो यूजुअली बर्नआउट्स होता है। मैं फिर से एक बार करता हूँ, तब आप मुझे एक्चुअली करने में मज़ा नहीं आ रही, मुझे बस आपको ये दिखाना है कि किस तरह से फीडबैक देती है हमें। ये देखिए मैं फर्स्ट पे करके होता है क्या, फर्स्ट पे इतना नहीं हुआ, सेकंड पे करके देखते हैं। सेकंड पे पिछली बार प्रॉपर हुआ था, ये देखिए थोड़े टाइम के लिए जैसे कि बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करने लगती है, और ये एक्चुअल में आप जब मैं जैसे दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के रखूँगा ना, लाइक जब गाड़ी चलाते वक्त, अभी मैं थोड़ा सेटे वाले एरिया में आ गया, इधर तो मुझे कुछ ऑफ रोड दिख नहीं रहा है, सबसे पहले तो ये क्लियर रोड से बाहर निकलता हूँ,
लाइक थोड़ा आपको ऑफ रोड की तरफ लेके जाता हूँ, आपको भी पता चलना चाहिए कि ये गाड़ी कैसे लाइक बिहेव करती है। अब एक्सेलरेटर देते हैं हम, धीरे धीरे देंगे इस बार, रोड की तरफ जाते हैं। गाड़ी पे थोड़े स्क्रैचेस आ गए, आपको माइक में सुनाई देता होगा कि लाइक वाइब्रेशंस इसके। आपने सुना फिर से वो वाइब्रेशन कैसा आया था? लाइक मैं ज़बरदस्ती एक्सेलरेटर दे रहा था जबकि आगे ब्लॉकेज था, लाइक दूसरी गाड़ी थी, फिर भी मैं एक्सेलरेटर दे रहा था, इसलिए गाड़ी इतनी वाइब्रेट हो रही थी। अब देखिए, अब अभी भी मैं फुल एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, दूसरे गियर पे है, फिर भी गाड़ी प्रॉपरली चल रही है, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा भी ऑफ रोड लेके जाओ, देखिए माइक में आप सुनने की कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा वाइब्रेट होता है। ये एक्चुअल में अच्छा लगता है, लाइक खेलते वक्त आप ऐसा कुछ ड्राइविंग वाला गेम खेल रहे हो, जब भी फ्री टाइम होगा मैं खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। अगर आपको भी खेलना है तो मैं आपके हमारे कैफ़े की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गूगल मैप्स की लिंक, आप जल्दी से जल्दी वो डायरेक्शन जो बटन होता है ना उस पर क्लिक कीजिए और आ जाइए। इसके जो रेट्स हैं वो आपको मैं बताऊँगा आगे वीडियो में पूरा बने रहिए। तो गाइज़ अभी हमने ड्राइविंग टेस्ट भी कर चुके हैं इसका, किस तरह से फीडबैक करता है हमें पता लग चुका है। अभी मैं इसमें जो है कंपैटिबिलिटी की बात करता हूँ। इसमें मैं फोर्ज़ा होराइज़न 5 खेल रहा था, अभी आपने देखा मैं F1 2021 भी खेल चुका हूँ, 2022 भी खेल चुका हूँ, इस पर NFS हीट भी खेल चुका हूँ मैं। एक्सबॉक्स पे लगा के खेल रहा हूँ मैं। एक्सबॉक्स पे आने वाले 80-85% गेम इसमें सपोर्ट प्रॉपरली कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से उन गेम्स को खेल सकते हो ड्राइविंग सिमुलेशन के साथ। सो अभी ना गाइस, फाइनली मेरा रिव्यू ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी बता दी, इसके बटन्स बता दिए, इसका अपीयरेंस बता दिया, इसकी कंपैटिबिलिटी बता दी, ये गेम खेल के भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अब जाते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। मैंने जैसे कि आपको पहले बोला था कि मैंने लास्ट में बताऊंगा, कि वीडियो को पूरा देखिए, मैं लास्ट में बताता हूँ। सो हमें ये पूरा जो यूनिट है ना, अराउंड पकड़ लीजिए 60-65 के अप्रॉक्स हमें पड़ा ये यूनिट, हमने ख़रीदा है 60-65 में, क्योंकि ये स्टैंड हमें अलग से लेना पड़ा था। ये जो स्टेयरिंग व्हील है लॉजिटेक का, ये अलग इक्विपमेंट है, और ये जो स्टैंड आप देख रहे हो रेड कलर का, ये ब्लैक है, ये जो सीट है वो अलग से आती है। सो ये टोटल कॉस्ट मिला के ना जो 60-65,000 के अराउंड होता है। अभी ये जो मॉनिटर है और एक्सबॉक्स है, ऑब्वियसली वो अलग चीज़ है। मॉनिटर हमारा सैमसंग का है, कर्व डिस्प्ले वाला, तो वो कैसे, वो इस उसमें ये 60,000 में ये इंक्लूडेड नहीं है मॉनिटर ना, वो आपका एक्सबॉक्स इंक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड है वो सिर्फ है ये लॉजिटेक की जो स्टेयरिंग व्हील है, और ये सेटअप इंक्लूडेड है। अगर आप लेने का प्लान करो ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप लॉजिटेक का व्हील लोगे ना तो ये आपको नहीं मिलेगा साथ में। आपको ये गियर शिफ्टर्स मिलेंगे, ये व्हील मिलेगा, और वो जो पेडल्स रहते हैं ना वो मिलता है, ये आपको अलग से लेना पड़ता है। अगर आप लोगे, आप इसको लगाओगे ना, कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है आपके घर में, अगर आप लगाने का प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। तो आपको, और इसका वेट भी ऐसा नहीं कि आपने लाइक लगा दिया फिर लाइक जब खेलना हो तब लगा दिया उसके बाद आपने उसे साइड में रख दिया, ये स्पेस कंज्यूम करता है। आपने इसको रख दिया लगा के तो आपको वहीं पे इसे रखना पड़ेगा। अगर आपको करना है आप निकाल के, अगर हर बार आपको ऐसे ही करना है, आप 1-2 घंटे के लिए खेलोगे, आपको हर बार ये पूरा सेटअप करना है तो आप कर सकते हो, वो आप पर है। बट लाइक इसको लाइक मूव करना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है। सो गाइज़ अभी मैंने आपको सब बता दिया, अब इसकी प्राइजेस की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर जब आप इसे खेलने आओगे तब आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 1 आवर के लिए। अब वो ऐसा नहीं है कि पर पर्सन के हिसाब से नहीं है, आप 2 का ग्रुप हो, आप अपने फ्रेंड को लेके आ रहे हो, आप आओगे, आपने 1 आवर के लिए स्टेयरिंग व्हील बुक किया, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, आप उस 1 आवर में चाहिए तो 1/2 आवर आप खेल के आप अपने फ्रेंड को भी खेलने दे सकते हो, फिर आपका फ्रेंड 1/2 आवर खेलेगा, आप 1/2 आवर खेलोगे, आपको 200 रुपीज़ पे करना है। वही आप 3 जन को ला के करिए, सेम बात आएगी, आपको 200 ही पे करना है 2 आवर्स के लिए, लाइक 200 रुपीज़ आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगा। 2 आवर्स के लिए बुक कर लीजिए, आपके 2 या 4 फ्रेंड जितने भी आ रहे हैं उनको लेकर आइए, आराम से अपना टाइम लीजिए और ये गेम खेलिए और इसको एक्सपीरियंस कीजिए। अब वीडियो मैं ख़त्म करूँगा यही, बस मैं एक जाते जाते एक लास्ट चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे लाइक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे गेमिंग कैफ़े का मैं जो एड्रेस है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गूगल मैप्स की लिंक।